हिमोड़ा के निदेशक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। सभी बच्चों को अपने शुभकामना देता हूँ और कमेटी जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, स्कूल के प्रिंसिपल, SMC के सभी इनके सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और यही अध्यापक और बच्चों से ही उम्मीद करता हूँ कि वो अनुशासन में रहकर आगे बढ़े और अपने राइट्स के साथ साथ वो ड्यूटी का भी ध्यान रखें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ बच्चों को, बच्चे यहाँ से जो है वो आगे निकले, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, स्टेट लेवल पे खेले, राष्ट्र लेवल पे खेले और इंटरनेशनल लेवल पे खेले, ताकि हमारे क्षेत्र का जो है वो नाम रोशन करेंगे। यही उम्मीद मैं बच्चों से करती हूँ। तुमको जहाँ तक सैलरी की बात आपने की, मैं कर्मचारियों अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लगाई है। ठीक है कि आज कुछ आर्थिक संकट की वजह से सरकार जो पहली तारीख को जो है वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाई, लेकिन 5 तारीख को शायद उनको सबको सैलरी मिल रही है। और ये मेरा कर्मचारी और अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश के इनसे भी निवेदन रहेगा, थोड़ा सा संयम रखे और आपको आपके जो ड्यूज हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके 1 रुपये सब सारा मिलेगा और आप लोगों का भी हमारा सहयोग करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, बिलासपुर।